ओम शांति। एक व्यक्ति परदेश की यात्रा पर गया और जिस देश में वो पहुंचा उस देश की वो भाषा भी नहीं जानता था। वो देश एकदम ही अपरिचित था उसके लिए और वहां जाकर उसने देखा एक इमारत जो कि महल सी थी, वो उस महल के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया। गांव का था, देहात का था वो। उसने कभी ऐसी भव्य इमारत देखी नहीं थी, उसको लगा कोई महल है। और उसने देखा वहां पर लोग अंदर जा रहे बाहर आ रहे, और अंदर जाते हुए लोगों के साथ वो भी अंदर चला गया। वहां देखा उसने लोग बैठ रहे हैं और भोजन खा रहे हैं। उसे लगा कि कोई उत्सव है और राजभोज है, तो वो भी एक स्थान पर बैठ गया और उसके सामने बहुत सारे व्यंजनों से भरी एक थाली आ गई। वो अंदर ही अंदर खुश हो गया और भूख बहुत जोर से लगी थी तो भोजन करने लगा, और जो जो आकर उसकी थाली में कुछ कुछ नए नए व्यंजन डाल के जाते थे उनको झुक झुक कर प्रणाम करता, धन्यवाद देता। अनजान देश में ऐसा स्वागत, मेरा इतना सम्मान, मेरा इतना सत्कार अपने देश में कभी नहीं हुआ। और थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति आता है और बिल थमाता है। वो एक होटल था और उसे लगता है मेरे शब्दों का ये प्रत्युत्तर दे रहा है, और उस बिल को अपने खीसे में रखता है और धन्यवाद देता है। वो व्यक्ति कहता है बिल चुकाओ, उसे वहां की भाषा पता नहीं थी। वो समझता है ये धन्यवाद प्रकट कर रहा है, तो वो और झुक झुक के प्रणाम करता है, सोचता है राजा का कोई अधिकारी होगा। और जब वो व्यक्ति नहीं सुनता तो वो वेटर उसको पकड़कर मैनेजर के पास ले जाता है। ये गरीब व्यक्ति सोचता है जरूर राजा का कोई प्रतिनिधि होगा, और वो मैनेजर उससे कहता है कि बिल चुकाओ। वो फिर झुक झुक कर धन्यवाद करता है, उसे लगता है मेरे स्वागत में कुछ कहा जा रहा है। मैनेजर उसे पकड़कर मैजिस्ट्रेट के पास ले जाता है। वो व्यक्ति सोचता है जरूर यहां का सम्राट होगा, उसको झुक झुक के प्रणाम करता है। मैजिस्ट्रेट कहता है पहले बिल चुका। वो कहता है मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, ऐसा स्वागत मेरा आज तक कभी हुआ नहीं। मैजिस्ट्रेट कहता है तुम आदमी हो या क्या हो, या पागल हो या धोखेबाज हो क्या? वो झुक झुक के और प्रणाम करता है। मैजिस्ट्रेट कहता है इसको पकड़ो और उसको गधे पर बिठा दो और इसके गले में एक तख्ती लगा दो कि ये धोखेबाज है। तो उसे गधे पर बिठाया जाता है उल्टा, और वो बहुत खुश हो जाता है अनजान देश में ऐसी शोभा यात्रा। और वो प्रोसेशन, वो यात्रा आगे बढ़ती है, लोग खिलखिलाकर हंसते हैं,
बच्चे छोटे छोटे इर्द गिर्द घूमते हैं और वो अंदर ही अंदर खुश होता है, आहा ऐसा भव्य दिव्य स्वागत, कितने उदार चित्त यहाँ के लोग हैं। और उतने में उसे एक परिचित व्यक्ति मिलता है उसके अपने देश का, जो उसकी भाषा जानता है, और वो उसे कहता है भाई सुनो। उसे बहुत खुशी होती है दूसरे देश में कोई अपना मिल जाए, क्योंकि मैं अगर खुद जाके बताऊंगा कि मेरा ऐसा स्वागत हुआ तो कौन मानेगा। और वो जो दूसरा व्यक्ति होता है वो तो समझ जाता है ये क्या हो रहा है, और वो छुपके से भागने की कोशिश करता है कोई ये ना देख ले कि मैं इसे जानता हूं, मैं इसका संबंधी हूं। ये व्यक्ति सोचता है ईर्ष्या के मारे जल कर भाग रहा है, ईर्ष्या से जला जा रहा है। मनुष्य भ्रांतियों में जीता है, सत्य से दूर, स्वयं को ही चलाता है, स्वयं को ही धोखे में डालता है। और ऐसा ही जीवन भ्रांति में गुजर जाता है, सत्य की एक किरण भी उस तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि भ्रांतियों के अंधकार में वो ऐसा जीता है। सुबह की अव्यक्त वाणी, पवित्रता के भिन्न भिन्न रूपों को जानो, स्वयं को चलाओ नहीं। हम प्रभावित नहीं होते, मददगार है, सहयोगी है, सेवा का संबंध है, स्वयं स्वयं को चलाना है। बाप को न चलाओ, स्वयं को न चलाओ, निमित्त बनी हुई आत्माओं को नहीं चलाओ। है अपवित्रता, समझते हैं महानता है, जो ऐसे स्वयं को चला रहे हैं उनको क्या कहेंगे। स्वयं स्वयं को धोखे में डाले हुए है, सेल्फ हिपोक्रेसी, ये जो आत्मवंचना है इसको क्या कहेंगे। हमारी स्थिति भी उस देहाती व्यक्ति जैसी ही है, उसके साथ जो जो हो रहा है और वो जो जो समझ रहा है वो सत्य से बहुत दूर है। हमारी समझ और सत्य के बीच कुछ फासला है। मुरली वह पुल है, वह ब्रिज जो इस फासले को मिटाता है। तो आज की मुरली, किस किस को ऐसा लगा कि आज का दिन गुजर जाए, कोई अच्छी सी मुरली आ जाए सेवा वाली, बड़ा भारी कर दिया इसने। जिसमें बाबा कह दे कि तुम्हें सेवा बहुत करनी है और जो सेवा कर रहे हो वो बाप की दिल पर है, तो थोड़ा बोझ कम हो जाए। आज जो भारी हो गया, कहां गया वो बाप का रूप, ये कौन सा रुद्र रूप है, ये कौन सा रौद्र रूप है, ये कौन सा प्रलयंकारी रूप है, ये कैसे शब्द दामिनी की तरह गिर रहे हृदय पर। आज का दिन गुजर जाए, कल का दिन आ जाए अच्छी सी मुरली प्यारवादी, मेरे लाडले बच्चों, मेरे मीठे बच्चों, एक शब्द नहीं था ऐसा कुछ इस मुरली में, और कुछ कुछ तो भागते हैं इस विषय से, और यदि कोई दूसरा कहे तो शत्रु जैसा दिखाई देता है, इशारा देने वाला। पवित्रता एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसके विषय में साकार मुरलिया और अव्यक्त मुरलिया एक ही भाषा बोलती है, कड़ी भाषा।
क्रोध के लिए ऐसे कड़े शब्दों का कभी प्रयोग नहीं हुआ, लोभ के लिए ऐसे कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं किया उसने कभी, मोह के लिए नहीं, अहंकार के लिए नहीं, आलस्य के लिए नहीं, अलबेलेपन के लिए नहीं, ईर्ष्या के लिए नहीं, घृणा के लिए नहीं। पर जब जब पवित्रता की बात आई है, जब जब अपवित्रता की सब्जेक्ट पर बाबा ने बोला है, इशारे दिए हैं, भाषा बाप की नहीं थी, भाषा धर्मराज की थी, ऐसी मुरली बीच बीच में आ जाती है, भारी कर देती है। जल्दी आ जाए कोई हल्की वाली हमारे टाइप की, जिसमें हम बहुत खुश हो जाए। पवित्रता पर चलने वाली सर्वश्रेष्ठ मुरलियों में आज की एक मुरली है, अब तक की चली हुई सबसे कड़ी मुरलियों में आज की एक मुरली है, अब तक के दिए हुए पवित्रता के विषय में भीषण से भीषण फरमानों से भरी हुई आज की एक मुरली है। ये मुरली कोई एक दिन की नहीं है, जीवन पर्यंत की है। यह जीवन एक दिन पढ़ लिया और सुन लिया और काम पूरा किया, इसके लिए नहीं है। मुरली का शब्द शब्द, वाक्य वाक्य हृदय अंगम करने की है, आत्मसात करने की है, धमनियों में रक्त की तरह बहे वो सारे शब्द, ऐसी वो मुरली थी। इसके लिए इस मुरली को अपने अपने सेवा केंद्र पर जाकर, अपने अपने स्थानों पर जाकर, घरों में जाकर फिर रिवाइज करना, फिर इस पर क्लास कराना, फिर इस पर चर्चा हो, कुमारों की चर्चा हो, कुमारियों की चर्चा हो, टीचर्स की चर्चा हो, माताओं की चर्चा हो, अधर कुमारों की चर्चा हो, मधुबन निवासियों की चर्चा हो। सुबह भाई बता रहे थे और हमने कभी पढ़ा भी था, दादी प्रकाशमणि जी ने कभी सभी से कहा था कि अपनी परसेंटेज लिखो प्यूरिटी की, जो है उतनी लिखो, वो किसी को दिखाई नहीं जाएगी, जला दी जाएगी, पर लिखो। एक दादा विश्वरत्न ही थे जिन्होंने लिखा था 99%। दादी ने क्लास में कहा था जिनकी 50% से कम है उनसे निवेदन है कृपया घर जाए। प्यूरिटी आत्मा ने कब धारण की, ज्ञान में चलने के कितने समय के बाद धारण की, धारण करने के बाद वो कैसी रही धारणा, गुणवत्ता कैसी रही, और धारण करने के बाद भंग कितने बार हुई, और वर्तमान में जो पवित्रता है उसका ग्राफ कैसा है, उसकी लेवल क्या है। स्वयं स्वयं को देखना है, पवित्रता यात्रा है, जर्नी, एक दीर्घकालीन यात्रा जिसमें स्वयं को निखारते जाना है, जिसमें नए नए अपवित्रता के रूप प्रकट होते रहेंगे उन्हें समझते जाना, पवित्रता के रूप नए नए क्या है वो जानते जाना, और इस यात्रा में आगे बढ़ते जाना। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो विश्व भर में केवल और केवल इसी विश्वविद्यालय में इस ढंग से पढ़ाया, सिखाया,
समझाया जाता है, सभी के लिए एक ही क्लास है प्यूरिटी की, संपूर्ण पवित्रता की। मुरली की तारीख है 12/4/84। इस मुरली को कैसे डिस्कस करें और कैसी चर्चा करें और कहां से चालू करें, हम अब तक नहीं सोच पाए कहां से इसकी शुरुआत की जाए। ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक इतना गुह्य है, और शायद सबसे कम चर्चा है इस पर। बारह तारीख की मुरली है तो 12 भागों में विभाजित करेंगे मुरली को। सबसे पहला शुरुआत होली हंस, कौन किसको देख रहा है, बाप दादा ने क्या देखा, बाप दादा किसको देख रहे हैं, होली हंसों को देख रहे हैं, और देख कर क्या कह रहे हैं, होली कहां तक बने हैं और हंस कहां तक बने हैं। और होली की परिभाषा बड़ी गुह्य है, होली में 5 चीजें आनी चाहिए, पवित्रता की इस शक्ति में, 5 बातों में पवित्रता, संकल्प, बोल, तुम्हारे बोल में प्यूरिटी के वाइब्रेशंस होने चाहिए। क्या होने चाहिए बोल में, प्यूरिटी के वाइब्रेशंस, नहीं तो बोल व्यर्थ है। प्यूरिटी कोटेड वर्ड्स, तुम्हारे बोल पवित्रता के प्रकंपन से आपूरित होने चाहिए, शब्द शब्द अंतस की पवित्रता से निकला हुआ हो, शब्द शब्द निष्कलंक पवित्रता से निकला हुआ हो, शब्दों में प्यूरिटी का जादू तिलिस्म हो। यदि अंदर पवित्रता, और कोई कितना भी चाहे प्यूरिटी के शब्द बोले, पवित्रता पर बोले, पवित्रता को समझाए, प्रभाव तब तक नहीं पड़ेगा जब तक वो शब्द पवित्रता की गंगोत्री से नहीं बह रहे। इसको चलाओ नहीं, ये चलाना अर्थात स्वयं को धोखा देना, आत्मवंचना है। इस प्रवंचना से, इस डिसेप्शन से, इस धोखे से, इस दुख से स्वयं को बचाओ। तो पवित्रता अर्थात संकल्पों की पवित्रता, पवित्रता अर्थात शब्दों की, बोल की, वाचा की, वाणी की, स्पीच की, वाक प्यूरिटी, पवित्रता अर्थात कर्म में पवित्रता, पवित्रता अर्थात संबंध में पवित्रता, पवित्रता अर्थात संपर्क में भी पवित्रता। जो आत्माएं संपर्क में हैं, उन्हें भी अनुभव हो कि ये कुछ और है, इनमें कोई अद्भुत सी शक्ति है, कोई पावर है, ये साधारण नहीं। इसके लिए कहा, इस मुरली को एक बार पढ़कर छोड़ना नहीं, इसको अलग से रख दो हमेशा के लिए। ये वो पूंजी है जो जीवन पर्यंत साथ चले, ये वो ग्रंथ है, शब्द है, बोल है, महावाक्य है, अव्यक्त धारा है, जो प्रतिदिन हम उस धारा में नहाए। तो सबसे पहला होली कहां तक बने, हंस कहां तक बने,
हंस जैसे प्यूरिटी, होली अर्थात प्यूरिटी, होली अर्थात पूज्य, होली अर्थात धार्मिक, होली अर्थात रिलीजियस अथॉरिटी ने जिसे पवित्र घोषित किया है उसे होली कहा जाता है। होली शब्द के वास्तविक शब्दकोश में दिए हुए अर्थ, होली अर्थात भयंकर भी होता है, टेरिबल, और इंस्पायरिंग। तो स्वयं को चेक करना है पांच बातों में, संकल्प, बोल, कर्म, शायद ये तीन ठीक है, परंतु संबंध और संपर्क इसमें हो सकता है कि कहीं ना कहीं संबंधों में इम्प्यूरिटी है, परंतु हम उसे कहते हैं ये महानता है, हम कहते हैं ये सेवा का संबंध है, हम कहते हैं ये सहयोगी है, स्वयं स्वयं को चला रहे। ये सबसे पहली बात, होली हंस। दूसरा, पावर ऑफ प्यूरिटी। प्यूरिटी तीन बातें करती है, बाबा ने कहा, कौन कौन सी? पवित्रता की शक्ति क्या कर देती है? वैसे तो बहुत सारी चीजें करती है, परंतु आज की मुरली में क्या कर देती है? किसी भी अपवित्र आत्मा को परखने की और परिवर्तन की शक्ति है पवित्रता। कौन आत्मा किस भाव से आई है, चाहे सेवा केंद्र, चाहे घर, चाहे मधुबन या ऑफिस या किसी भी कार्यस्थल पर, जिन जिन आत्माओं के संपर्क में हम आ रहे, जो जो आत्माएं हमारे समीप नजदीक आना चाहती है, मैत्री करना चाहती है, किस भाव से वो आना चाहती है, क्या उनका संबंध सेवा का है, ज्ञान योग से संबंधित है, या हमसे प्रभावित होकर हमारे समीप आना चाहती है, या हमारे किसी बात से आकर्षित होकर, या हमारे दैहिक सौंदर्य को देखकर, या हमारे पद पोजीशन को देखकर, परखने की शक्ति, जिसकी प्यूरिटी जितनी अधिक उसकी परख शक्ति उतनी अधिक, परखना भी और परिवर्तन भी करना, ये सबसे पहली बात पावर ऑफ प्यूरिटी में। दूसरी, किसी भी आत्मा की दृष्टि, वृत्ति और कृति को हम बदल सकते हैं, उसकी दृष्टि विकारी से निर्विकारी बना सकते हैं, उसकी वृत्ति विकारी से निर्विकारी बना सकते हैं, उसके कर्म जो पाप कर्म है, विकर्म है, कुकर्म है, वो सत्कर्म, सुकर्म, पुण्य कर्म, महान कर्म, श्रेष्ठ कर्म, निस्वार्थ कर्म बना सकते हैं। प्यूरिटी में क्या वास्तव में ऐसी शक्ति है? भगवान कह रहा है, और यदि हमें अनुभव नहीं हो रहा तो शायद हम में वो शक्ति कम है। और शायद विकारों में इतने डूबे रहे इतने समय कि भगवान आया और ज्ञान मिला और ज्ञान सुनाया, उसके बाद भी बीच बीच में चेतना देह के कीचड़ की ओर आकर्षित होती है। भक्ति मार्ग में दिखाया है विष्णु के दश अवतार, उसमें तीसरा अवतार है वराह अवतार, सुअर का। भगवान सुअर बनकर आते हैं, भक्ति मार्ग में कुछ भी हो सकता है, और धरती जो नीचे चली गई थी, वो हिरण्याक्ष चुरा कर ले गया था, राक्षस, ब्रदर ऑफ हिरण्यकश्यप, जो कि बाद में आने वाला है, तो उसको मार गिराते हैं। अब अवतार का कार्य पूरा हुआ, पर वो भूल ही जाते मैं विष्णु हूं, और वो सुअर और उसके बच्चे और उसी में रमन करने लगते हैं। देवताओं को चिंता होती है विष्णु हमारे भगवान नीचे रह गए, मीटिंग होती है, डिस्कशन होता है, फाइनली डिसीजन होता है कि शिव को भेजा जाए इस काम के लिए, काउंसिलिंग, कि भाई ऊपर चलो,
तुम्हारा धाम ऊपर है। वो नीचे आते हैं तो देखते हैं वो सुअर बीवी बच्चों के साथ मजे में खेल रहा है। तो शिव जी कहते हैं कि ऊपर चलो। वो कहता है क्यों, मैं यहां खुश हूं। शिव जी अपना त्रिशूल निकालते हैं और एक धड़ाम से उसके सिर पर लगाते हैं। वो सुअर मर जाते हैं और विष्णु जी ऊपर। तो शिव का त्रिशूल प्रसिद्ध है। और जब शिव वास्तव में आते हैं तो ऐसा अपना त्रिशूल निकालते हैं जो गंदगी में खेल रहे थे और पल रहे थे, सिर पर ऐसा त्रिशूल धड़ाम कि सीधा नवजन्म, नया जन्म त्रिशूल लेकर वो अब आया है। तो पावर ऑफ प्यूरिटी में तीन बातें। सबसे पहला, किसी भी आत्मा को परख सकते और परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा, दृष्टि वृत्ति और कृति बदल सकते हैं। और तीसरा, अपवित्र संकल्प वार नहीं कर सकता। ऐसी प्यूरिटी। एक अध्ययन है, जब से किसी एक कंपनी ने 2016 सितंबर में इंटरनेट फ्री कर दिया, नाम आप जानते हैं, हम नहीं लेंगे, तब से संसार में विकार बढ़ गए युवकों में। एक अध्ययन ये कहता है, अध्ययन किया गया कितनी वेबसाइट्स विजिट की गई। भारत का तीसरा नंबर लगा उसमें विकारों में विश्व भर में। व्यक्ति वही करना चाहता है जो वो देखता है। देखना उत्तेजित करता है। यदि वो देखना ही बंद हो जाए तो प्यूरिटी ऊंचे शिखर पर चली जाए। तो ये तीन चीजें पावर ऑफ प्यूरिटी में। तीसरी बात, हार खाने के कारण, कॉज ऑफ डिफीट। हार खाने का कारण क्या है, क्यों हार खाते हैं, संबंध संपर्क में हार क्यों खाते हैं। जब बाप से संबंध टूट जाता है तब संबंध संपर्क में हार खाते हैं, और जब मनसा वाचा कर्मणा में स्वयं हार खाते हैं तब वृत्ति वायुमंडल, तब वायुमंडल वातावरण व्यक्ति वैभव में हार खाते हैं। पहले हार अंदर होती है। और ये होने का भी कारण क्या है, बीज, किसी से प्रभावित होना, किसी से प्रभावित होना, व्यक्तित्व से, गुण से, विशेषता से, स्वभाव से। ये चार चीजें, किसी की विशेषता से, कोई बोलता अच्छा है, कोई लिखता अच्छा है, कोई सेवा विशेष रूप से करता है, किसी में कोई विशेष कला है, कोई चित्र अच्छे बनाता है, कोई गाड़ी अच्छी चलाता है, कोई भोजन अच्छा बनाता है, किसी के कोई गुण से प्रभावित हो जाना, किसी विशेषता से प्रभावित हो जाना, किसी के स्वभाव बड़ा मीठा है, कभी क्रोध करते देखा ही नहीं, बहुत अच्छा लगता है, बाबा ने कहा कि हार खाने का ये कारण है। क्योंकि ब्राह्मण आत्मा ज्ञानी की तरफ आकर्षित नहीं होगा, योगी योगियों की तरफ आकर्षित होता है, योगी योगिनियों की तरफ आकर्षित होता है, योगिनी योगी की तरफ आकर्षित होती है, सन्यासी सन्यासिनी की तरफ आकर्षित होता है, सन्यासिनी सन्यासी की तरफ आकर्षित होती है,
तपस्विनियों की तरफ आकर्षित होता है, तपस्विनी तपस्वी की तरफ आकर्षित होती है। संसार की आत्माओं के प्रति तो रिजेक्ट, ये ज्ञान में नहीं चलते, अच्छे लोग नहीं है ये। पर जो योगी है और जो तपस्वी है उनके तरफ विशेष आकर्षण, उनके गुण की तरफ, उनकी विशेषता की तरफ, उनकी स्वभाव, उनके स्वभाव की तरफ। और इस आकर्षण में एक अमूल भूल हो रही है, कौन सी विशेषता इसमें भरी किसने, उस दाता को भूल गए, उस बीज को भूल गए और डाली को पकड़ रहे और झूल रहे। झूलेंगे नहीं, गिरेंगे। जिससे आकर्षित है एक दिन उसकी एक कमी दिख गई तो बड़ा दुख होगा। हमने सोचा था ये तो बड़ा महान योगी है, एक बार भोजन करते हुए इतना खाते हुए देख लिया, सब डिलीट कर दो क्लास वगैरह, ये कोई योगी नहीं है। मौन पर क्लास, और ये तो बात बहुत करता है, रिजेक्ट, प्रभावित हो जाना, ये कारण है। जो भगवान से प्रभावित है वो किसी देहधारी से प्रभावित नहीं हो सकते। जरूर बाप से संबंध टूटा है, इसलिए तो किसी व्यक्ति से संबंध जोड़ने का प्रयत्न, पुरुषार्थ, मैसेजेस भेजना चालू है, दोस्ती हो जाए। लक्ष्य ज्ञान योग नहीं है, लक्ष्य है दोस्ती, शेयरिंग। मिल जाए कोई जिसके साथ घंटों फोन पर बातें हो सके, ब्राह्मण जीवन के सुख दुख की बातें, हिसाब किताब कैसे चुकतू नहीं हो रहे और कैसे कड़े से कड़े हिसाब किताब सामने आ रहे, बाबा को बताते हो तो कुछ करता नहीं, मौन धारण किए बैठा है। विशेष रूप से मौन तो उसका तब तीव्र हो जाता है जब ज्यादा परिस्थिति आती है, अन्यथा कभी कभी तो टचिंग मिल जाती है, पर परिस्थितियों में तो बेआवाज चुप्पी धारण किए रहता है। ऐसे टाइम पे प्रबंध तो चाहिए, कोई दोस्त, कोई योगी दोस्त, कोई ज्ञानी दोस्त, प्रभावित होना। प्रभावित होना अर्थात हार खाना। पहले अपने अंदर हार खाओगे, फिर बाहर हार होगी, और देहधारियों से संबंध जोड़ेंगे, कभी ना कभी धोखा अवश्य होगा। इस संसार का कोई भी देहधारी हमारा सगा नहीं है, सब पराये है। एक तो ये भाव शुरुआत है, और अंतिम भाव है सब अपने हैं, परंतु वो अंतिम तपस्या है, परिणाम है। शुरुआत वैराग से, परिणाम सब हमारे। शुरुआत घृणा से, परिणाम विश्व कल्याण, विश्व प्रेम। पहले ही प्यारे बनने लगे तो फंसेंगे किसी में, किसी व्यक्ति में, किसी पुरुष में, किसी स्त्री में। तो ये तीसरी बात, हार खाना। फिर चौथी बात, इम्प्यूरिटी की शक्ति। बाबा ने शब्द प्रयोग किया है अपवित्रता की शक्ति, मतलब अपवित्रता भी शक्ति है। अगर प्यूरिटी शक्ति है तो इम्प्यूरिटी भी शक्ति है, अगर ईश्वरीय शक्ति है तो आसुरी शक्तियां भी है, अगर गुड है तो बैड भी है। ये इम्प्यूरिटी की शक्ति कैसी है? मृग तृष्णा है। कैसी है? धोखा देने वाली है। है कुछ, दिखाई कुछ और देती है। बाबा ने कहा इसको परखो, इसको समझो, इसको जानो। अपवित्रता के क्या क्या रूप है इसको भी समझो, और मेरे जीवन में अपवित्रता कब कब और किस किस रूप में आई और कहां कहां आई, और जिसे मैं पवित्रता समझ बैठा हूं कहीं वो वैसा तो नहीं उस देहात के व्यक्ति जैसा, और लोग हंस रहे और हम सोच रहे हमारा सत्कार हो रहा है।
अपवित्रता की शक्ति मृग तृष्णा जैसी है, धोखा देती है। धोखा देना अर्थात दुख उठाना, धोखा देना अर्थात दुख उठाना। यदि ब्राह्मण बनने के बाद जीवन में अंश मात्र भी दुख है, जरूर कोई ना कोई अपवित्र कर्म हो रहे हैं, जरूर ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है कहीं ना कहीं, जरूर दृष्टि चलायमान है, जरूर किसी देहधारी की तरफ आकर्षण है। जरूर किसी देहधारी के प्यार में फंसे हैं। तो ये चौथी बात। उसके बाद में फिफ्थ, भगवान की सतो प्रधान पवित्रता और संसार की रजो प्रधान पवित्रता। पवित्रता फाउंडेशन है इस जीवन का। बाबा ने कहा वो लोग जिनकी रजो प्रधान पवित्रता है, वो महात्माएं भी, उनके सामने भी प्रकृति दासी का प्रमाण देती है, उनके सामने भी अपवित्र आत्माएं झुकती है। तुम्हारी पवित्रता कैसी है? परमात्मा प्रदत्त पवित्रता है, भगवान द्वारा दी हुई पवित्रता है। तो तुम्हारे सामने तो पवित्रता झुकेगी नहीं, अपवित्रता पाव के नीचे। तुम कौन हो? महिषासुर मर्दिनी, असुर संहारिणी, पाप नाशिनी, शिव शक्ति, शिव अर्धांगिनी, बाल ब्रह्मचारिणी, जगत जननी, जगन माता, मां दुर्गा। उसके पैरों के नीचे असुर है, महिषासुर। क्या करने आया था वो? शादी करने आया था उससे। क्या कहती है वो उसको? अपने मृत्यु से ब्याह रचाने आए हो मूर्ख। तो पांचवा, भगवान की जो पवित्रता है, भगवान के द्वारा दी हुई जो पवित्रता है, भगवान जो पवित्रता सिखा रहा है, वो सतो प्रधान पवित्रता है। संसार के लोग जिन जहां संसार अपवित्र है, तमो प्रधान रजो प्रधान है, वो लोग भी पवित्रता के आधार पर अब तक भी महात्मा कहलाए जाते हैं। तो तुम क्या कहलाने चाहिए? महा महा महात्मा, डबल टिबल महात्मा। ये पांचवी बात। छठवी, हार खाने वालों के तीन नाम दिए हैं बाबा ने। इस ब्राह्मण जीवन में जो हार खाते हैं, उनके तीन नाम दिए। कौन कौन से? नामधारी ब्राह्मण, उन्हें नामधारी ब्राह्मण कहा जाएगा, सच्चा ब्राह्मण नहीं। दूसरा ज्ञानी भक्त, केवल महिमा करने वाले, उन्हें कोई अनुभव नहीं है, न वर्षे का अनुभव है, न वरदान का अनुभव है, न परमात्मा प्राप्तियों का अनुभव है, केवल गुणगान करते रहते, समझ है केवल, बस अनुभव नहीं है। ऐसे जो ब्राह्मण आत्मा है वो क्या है? ज्ञानी भक्त है। ज्ञान के इस शिविर में भक्त छिपे बैठे हैं। जो अमृत वेला उठते हैं और बाबा से ढेर सारी चीजें मांगते हैं, ये दे दो वो दे दो, जगह मिल जाए, कमरा भी मिल जाए, कमरा बदल दो, ये ठीक नहीं है बाबा, डिपार्टमेंट चेंज होने की विधि बता दो, करने की टाइमिंग थोड़ा चेंज कर दो सेवा का। भगत है, मांगते बहुत है बाबा से। और तीसरा, वंचित ब्राह्मण, जो हार खाते हैं उन्हें ये तीन नाम दिए जाएंगे, वंचित आत्मा, वंचित ब्राह्मण, ज्ञानी भक्त, और तीसरा बताया नामधारी, केवल नाम धारण किया है, कर्म खोटे है, केवल नाम के लिए है, ऊपर ऊपर से सते ही है। तो ऐसे ब्राह्मण,
उसके बाद में सेवेंथ पॉइंट, सातवीं बात, पवित्रता के भिन्न भिन्न रूपों को जानो, जहां से हमने मुरली की शुरुआत की थी, जिसमें बाबा ने कहा स्वयं को चलाओ नहीं, स्वयं को धोखा नहीं दो, बाप को चलाओ नहीं, निमित्त आत्माओं को चलाओ नहीं, ये मत कहो कि ये महानता है नहीं, महानता प्रभावित हो रहे हैं। और कहते क्या है, ज्ञान अच्छा है, योग अच्छा है, से शक्ति मिलती है, कहते क्या, स्नेह मिलता है, सहयोग मिलता है, इस आत्मा से स्नेह मिलता है, इस आत्मा से सहयोग मिलता है, इस आत्मा से शक्ति मिलती है, इसके ज्ञान से प्रभावित है, उसके योग से प्रभावित है, ऐसी सारी बातें करते हैं। तो स्वयं को चलाना नहीं, चोट लगती है अहंकार को, गहरी चोट लगती है यदि कोई कुछ कहते तो। उसके बाद में आठवां, स्वयं को धोखा देना या फिर कामना से भरे रहना। ये कामना क्या है? काम का अंश है। क्या कहा बाबा ने? कामना काम का अंश है। या तो काम रहेगा या तो राम रहेगा। बाप भूला और माया का गोला लगा। कामना मृग तृष्णा जैसी है, जो कभी शांत नहीं होती है, कभी पूर्ण नहीं होती है, भटकाती है, बहुत पागल कर देती है। भागते जाओ, भागते जाओ, भागते जाओ कामना के पीछे। एक कामना पूर्ण नहीं होती तो दूसरी खड़ी हो जाती है। किसी गांव के कुछ लोग संत महात्मा के पास पहुंचे, जो गांव के बाहर ठहरे थे, और उनसे कहा कि हमारी एक समस्या है, हमने बहुत कुछ कर लिया पर समस्या ठीक नहीं हो रही है। वो पूछते हैं क्या हुआ? वो कहते हैं हमारे गांव में एक कुआ है, उसमें बहुत बदबू आती है, तीन कुत्ते लड़ते लड़ते उस कुएं में गिर गए और मर गए। अब क्या करें, हमने सब कर लिया। महात्मा जी कहते हैं उसमें गंगा जल डालो। तो वो लोग जाते हैं, उसमें ढेर सारी बकेट भर भर के गंगा जल डालते हैं, परंतु समस्या जस की तस। फिर जाते हैं, कहते हमने गंगा जल डाल दिया पर बदबू अब भी है। महात्मा जी कहते यज्ञ करो, आकर यज्ञ करते हैं, समस्या जस की तस। फिर जाते हैं, महात्मा जी कहते कथा करो, समस्या वैसी ही, कथा भी हो गई। महात्मा जी को कहते अब क्या करें? वो कहते सुगंधित द्रव्य लाओ और उसमें डालो, शायद पानी ठीक हो जाए। वो भी करते हैं, फिर आते हैं, महात्मा जी कहते मुझे ले चलो, मुझे देखना है क्या है प्रॉब्लम। तो देखता है तो तीन कुत्ते उसमें ही मरे पड़े हैं। वो कहता है क्या तुमने कुत्तों को निकाला नहीं? वो कहते हैं आपने तो कहा ही नहीं, आपने जैसा कहा वैसे हमने किया। जब तक इनको नहीं निकालेंगे तब तक पानी शुद्ध नहीं होगा। ये कहानी काम क्रोध और लोभ के लिए कही जाती है। आज की मुरली से अपवित्रता, कामना और प्रभावित होना, ये तीन मरे हुए कुत्ते हैं जो उस कुएं में हैं। जब तक इनको नहीं निकालेंगे पानी शुद्ध नहीं होगा। अपवित्रता अर्थात अब्रह्मचर्य, अर्थात ब्रह्मचर्य का खंडन, अर्थात काम विकार। दूसरा प्रभावित होना, किसी की ओर आकर्षित हो जाना, किसी के प्रभाव में आ जाना और बाप के प्रभाव से निकल जाना। और तीसरा कामना। कामना काम का अंश है, धोखा देगा, मृग तृष्णा है। धोखा देना अर्थात स्वयं को दुखी करना। तो ये आठवां कामना। उसके बाद में योग न लगने का कारण,
योग न लगने के बहुत सारे कारण हैं। आज की मुरली से जरूर कोई ना कोई छिपा हुआ विकर्म अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। योग नहीं लग रहा है, जरूर दिनचर्या में कोई सूक्ष्म पाप हो रहा है, किसी सूक्ष्म श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है। और जो मन भी कहता है हाँ, पर बता नहीं सकता, और उस गिल्ट कॉन्शियसनेस के साथ, उस अपराध भाव के साथ जीवन व्यतीत हो रहा है कि क्या करने आए थे और क्या करने लग गए, करना क्या था और क्या कर रहे हैं। 10वां, बाप को भूलने का परिणाम। बाप को भूले तो क्या होगा, बाप तुम्हें किस रूप में मिलेगा, धर्मराज के रूप में मिलेगा। अज्ञान में एक का एक गुना, ज्ञान में एक का 100 गुना पदम गुना। कामना के भी 2 रूप बताए, कौन से, एक प्रभावित होना, दूसरा परेशान होना। जिससे कामनाएं होते उसी से ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है, जो अपने होते जिनको हमने अपना समझा है उनसे इतनी अपेक्षा, इतने एक्सपेक्टेशन है कि उन्हीं से ज्यादा दुख होता है। इसके लिए बाबा ने कामना को भी काम का अंश, काम की तो चर्चा ही नहीं है, कामना को ही अपवित्रता कह रहे बाबा। हमारी व्यक्तिगत कोई कामना ना हो, ये ब्राह्मण परिवार में किसी से व्यक्तिगत कोई संबंध नहीं, कोई हमारा पर्सनल कुछ नहीं है, यहां है ही एक के, है ही एक के लिए, तो और दूसरा कहां से आया। छिपाओ नहीं, चलाओ नहीं, दूसरों को दोषी नहीं ठहराओ, ये 3 वाक्य है। चलाओ नहीं, छिपाओ नहीं, और दूसरों को दोषी नहीं ठहराओ। इसने ऐसा किया इसलिए ऐसा किया, सारी जिम्मेवारी स्वयं पर ले लो कि मेरे जीवन में जो हो रहा है कोई व्यक्ति कारण नहीं है, शायद उसने प्रभावित करने का प्रयत्न नहीं किया कभी, हम स्वयं प्रभावित हो गए क्योंकि अंदर शक्ति कम थी, अंदर संबंध टूटा था बाप से। फिर 11वां, महाविकर्म। ये ब्राह्मण परिवार की चर्चा की है। यदि लौकिक में कोई भाई और कोई बहन विकारी दृष्टि हो जाए तो क्या कहे जाते हैं, कुल कलंकित। तो सभी स्थिर बैठेंगे। 1-2 बातें और है जो कि ट्रैफिक कंट्रोल के बाद लेंगे। सभी स्थिर, एकाग्र, आत्माभिमानी स्थिति, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। पवित्रता के सागर से अथाह पवित्रता की प्रचंड किरणें मुझ पर आ रही है, अंग अंग में प्रवाहित हो रही है और सारे विश्व में जा रही है। ये अभ्यास करेंगे। उन बहन भाई की यदि विकारी दृष्टि होती है तो उन्हें क्या कहा जाता है, कुल कलंकित। यदि तुम्हारी 1-2 के प्रति विकारी दृष्टि हो जाए तो तुम्हें क्या कहा जाएगा, जन्म जन्म के कुल कलंकित। ये विकर्म नहीं है, क्या है, महाविकर्म है। इसमें कोई रियायत नहीं, इसमें बाप रहमदिल नहीं, वो भाषा बाप नहीं बोलेगा। बाप तुम्हें बाप के रूप में नहीं मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, धर्मराज के रूप में मिलेगा। इसके लिए अपने संबंधों को प्यूरिफाई करते चलने जाना है। ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये भाई बहुत अच्छा है, ये बहन बहुत अच्छी है, ना दोष ब्रह्मा कुमार का है ना कुमारी का, दोष उम्र का भी है। दोष जन्म जन्म के उन विकारों का भी है जिसमें हम डूबे रहे, उन संस्कारों का भी है जो अचानक कभी भी प्रकट हो सकते हैं। जैसे जैसे कोई तड़प
तड़प कर शरीर छोड़ता है, वैसे बुद्धि पाप में तड़प तड़प कर शरीर छोड़ेगी। कैसे भारी शब्द है, बड़े भारी है। कल की मुरली का इंतजार है, कब आ जाए थोड़े अच्छे शब्द। मेरे प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, सेवा में नंबर वन जो है वो बाप की दिल पर है। अरे वाह, हम है, हम तो दिन रात बिजी है सेवा में। बहुत अच्छा, दिव्य गुण धारण करो, हम में बहुत है। ये पवित्रत वाली चीज ही थोड़ी भारी कर देती है इधर। ये कैसा रूप है तुम्हारा बाबा, जरा तो अच्छा बोलो, मीठा मीठा बोलो ना। ये कैसे शब्दों का प्रयोग करते हो। बाप बच्चों से भीख मांगते हैं, फॉर माय सेक पवित्र बनो, इस एक जन्म ब्रह्मचर्य को धारण करो मेरी खातिर केवल। मैं कहता हूं भूल जाओ, उससे क्या मिलेगा तुमको, मैं कह रहा हूं ना, फॉर माय सेक। इसको आज्ञा भी ना समझो, कुछ नहीं समझो, केवल मैं कह रहा हूं बस। सोचो तो कौन कह रहा है। अंतिम पॉइंट 12वां, भगवान की अंतिम चेतावनी, सोचो समझो संभालो। बाप तुम्हें समर्थ बनाते हैं, होशियार और खबरदार। अब भी समझ लो, बाबा ने कहा इसमें अभी भी कमजोरी काफी है, मुरली की एंड अच्छा से पहले, अभी भी इसमें कमजोरी काफी है। तो ऐसी 12 भागों में ये मुरली हमने विभाजित की, फिर से रिवाइज करेंगे। सबसे पहला, तुम कौन हो, होली हंस, चेक करो स्वयं को कि होली कितने बने और हंस कितने बने। दूसरा, पहले में 5 प्रकार की प्यूरिटी, संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क। दूसरा, पावर ऑफ प्यूरिटी में फिर 3 बातें, कोई भी अपवित्र को परख सके और परिवर्तन कर सके, संकल्प दृष्टि वृत्ति कृति को बदल सके, और कोई भी अपवित्र संकल्प हम पर वार न करे। इतना स्वयं को कमजोर नहीं बना देना है कि कुछ अपवित्र सामने दृश्य आ गया और हम कमजोर हो गए, अपवित्र वातावरण में चले गए और हमारी पवित्रता हिलने लगी। वहां पर कहां गया फिर वो तपस्या, कहां गया वो सारे दिन जो भगवान से मिले, कहां गए वो सारा समय जो मुरली सुना, लिखी, बातें की, केवल 2 घंटे के लिए किसी ऐसे वातावरण में चले गए जहां पवित्र है और वहां तुरंत प्रभाव हो गया, और फिर यहां पर तपस्या और प्रतिज्ञा और फाइल को बढ़ा रहे, प्रतिज्ञा होगी, फाइनल करो बाबा ने कहा फाइल को। तीसरा, हार खाने का कारण एक ही कारण बताया, प्रभावित हो जाना, और जो हो गए हैं प्रभाव से बाहर निकल जाओ। किसी व्यक्ति से प्रभावित नहीं होना है, किसी की आवाज से, किसी के साथ से, किसी क्लास से, उससे भी प्रभावित नहीं होना है। अगर हो रहे तो बंद कर दो सुनना कुछ दिनों के लिए, स्टॉप, वो भी एक बंधन है। इसकी क्लास, उसकी क्लास, क्या कर रहे, अरे शिव बाबा किधर है, क्लास ही सुनते रहोगे, वो भी एक बंधन है। चौथा, इम्प्यूरिटी की भी शक्ति बहुत है, और इम्प्यूरिटी की शक्ति है मृग तृष्णा। जैसे काम के लिए कहते हो नर्क का द्वार है, वैसे इम्प्यूरिटी की शक्ति है मृग तृष्णा की शक्ति। पांचवा, भगवान की सतो प्रधान पवित्रता हमको प्राप्त हुई है। छठवा, 3 नाम जोहार खाने वाले हैं। सातवां, पवित्रता के भिन्न भिन्न रूप को जानो। आठवां, कामना का स्वरूप क्या है उसको समझो, कामना कैसे काम करती है, व्हाट इज कामना, कामना है क्या, ये तृष्णा क्या होती है, क्यों पागल कर देती है, क्यों एडिक्टिव है इतनी, क्यों इसमें क्रेविंग है इतना, क्यों इसमें इतना एक्साइटमेंट है, इतनी उत्तेजना, इतनी आतुरता, इतना पागलपन क्यों है इसमें। साक्षियों को स्टडी करना, कामना को, अपने मन में उठने वाली कामना,
ये कामना उठी, इसको पूर्ण किया, क्या मिला? दुख, अशांति, अपवित्रता, फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट कॉन्शियसनेस, अपराध भाव, आत्मग्लानि का भाव। क्या यही सुख पाने के लिए, क्षण के सुख पाने के लिए इतना बड़ा बोझ लेके घूमू? नौवा, योग न लगने का एकमात्र कारण आज की मुरली से कोई ना कोई विकर्म को खींच रहा है। दसवा, बाप को भूलने के परिणाम क्या होगा? ग्यारहवा, महाविकर्म क्या है? और बारहवा, भगवान की अंतिम चेतावनी ऐसे स्वयं प्रति। ऐसे स्वयं प्रति क्या? स्वयं प्रति ऐसे स्वयं प्रति। इशारे से समझने वाली आत्माओं को ऐसे विकर्म और विकल्पों के ऊपर काली रूप धारण करने वाली आत्माओं को ऐसे स्वयं को धोखे और दुख से बचाने वाली शक्तिशाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।